नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। एसएसपी एसआरआर द्वारा जनपद वासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई, जिसके संबंध में एसएसपी एसआरआर द्वारा दी गई जानकारी। आगामी दीपावली के पर्व के अवसर पर सुरक्षा को देखते हुए जनपद में जहां भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहां पर पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया। जगह जगह पर क्यूआरटी टीम लगाई गई है। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी लगाए गए, और क्योंकि महिलाओं का आवागमन भी काफ़ी अधिक संख्या में होता है, और जो हमारे पर्व हैं उसको देखते हुए जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग भी कराई जा रही है, और जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं एचएनएसपी हैं सभी को फील्ड में लगातार भ्रमणशील रहने के लिए बताया गया, जिससे कि जो त्यौहार है वो सफल संपन्न हो। सर, सहारनपुर को सेक्टर वाइज बांटा गया है, कितने सेक्टर वाइज बांटा गया? जो सहारनपुर अभी जो जनपद है इसमें सेक्टर स्कीम लागू की गई है, और जगह जगह पर सेक्टर स्कीम के साथ ही साथ जो हमारे फायर सर्विस की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आतिशबाजी और अन्य जो त्यौहार में मनाए जाते हैं इसमें आग लगने का खतरा भी होता है, और साथ ही साथ कई बार शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है, इस वजह से जगह जगह पर फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं उनका व्यवस्थापन भी किया गया, और मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी एक साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे और अपने क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी रहेंगे। सर, जनपदवासी ये अपील करेंगे दिवाली की? हाँ, दिवाली के अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और इसके अलावा सभी से अपील करता हूँ कि जो दीपावली का जो पर्व है सभी के लिए हर्ष और उल्लास लेकर आए, और सभी लोग इसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इसको मनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।